हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्टिविटी। जैसे कि आपने मेरे पिछली वीडियो देख करके काफ़ी कुछ सीखा होगा ओपीटेक्स पीडीएस टूल्स के बारे में। वैसे मेरे 6 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं ओपीटेक्स टूल्स के बारे में, और 6 वीडियो में मैंने 1 से लेकर 70 टूल्स की जानकारी दे चुका हूँ। और जो मैं आगे, ये जो मेरा 7 नंबर वीडियो है, इसमें मैं जो है 70 से ऊपर जो टूल्स हैं उसकी जानकारी दूँगा। तो चलिए, टाइम को ज़्यादा इन्वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अगले टूल्स के लिए, जो हमारा टूल्स नंबर है 71। और 71 नंबर टूल्स का नाम है ऐड लाइंस। तो ऐड सेवरल लाइंस का क्या यूज है, मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टूल्स बार में, यहाँ पे बटन के पास, तो आप ये बटन के पास देख रहे हैं, इसके बटन के साइड में थोड़ा सा एक एरो है, जो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं ऐड सेवरल लाइंस। तो आप ऐड सेवरल लाइंस का इस्तेमाल करके काज का निशान लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कोई शर्ट है, हमें उसमें काज के निशान लगाने हैं, तो कैसे लगाएं, तो आप ऐड सेवरल लाइंस का टूल्स ले करके काज का निशान लगा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की नहीं है, और हम यहाँ से टूल्स ले करके चलिए इस्तेमाल करते हैं कि कैसे करना है। ये हमने टूल्स पर क्लिक किया, टूल्स ले लिया, और फिर आपको करना क्या है, आपको उस जगह पर निशान इसको क्लिक करना है जहाँ से आपको काज का निशान लगाना है। तो हम यहाँ से मान लो 3 इंच नीचे करते हैं, तो आप जितने नीचे लगाना चाहते हैं वो गाइडलाइंस ले करके रख सकते हैं। बाकी मैं एक अंदाजे से रख देता हूँ कि मुझे यहाँ से लगाना है, और ये विंडो आती है, फिर इसे ओके कर देते हैं। फिलहाल इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ओके करने के बाद ये इस तरह से लाइन खींच जाती है, और कितने नीचे तक खींच के ले जाना है, ऐसे ले जाना है। आप नीचे से कितनी दूरी चाहिए वो आप भी गाइडलाइन रख सकते हैं, और उसी अनुसार पर वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही ये दूसरी विंडो आती है, इसको भी आपको ओके कर देना है। इनमें कुछ नहीं भरना 2 विंडो पे, और ये जो तीसरी विंडो आती है इस पर आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं नंबर के सामने 3, यानी कि 3 काज के निशान लगेंगे। तो आप इसमें जितने काज चाहिए, तो काज के निशान लगाने के लिए जैसे मैंने 5 डाल दिया, 5 डालने के बाद यहाँ पे आप नंबर्स के नीचे लाइन लेंथ दे रखा है, तो ये 4 इंच की डिस्टेंस पे काज बनाएगा। लेकिन हमें 4 इंच नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो कि 0.75, यानी 6 सूत का हमें काज चाहिए। तो हमें इस तरह से क्लिक कर देना है। ये डालते ही आप ब्लैंक लेंथ यहाँ पे दिखा देता है, तो उनके बीच में जो गैपिंग रहेगी वो 3 5/8 की रहेगी। लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करते ही आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये काज के निशान लग चुके हैं। तो आप इस तरह से इस विंडो में भर दीजिए और ये काज के निशान लगा दीजिए, और आप यहाँ पे आप टूल्स बार से ही इसे ले सकते हैं, इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टूल के लिए, जो 72 नंबर टूल्स है। उसका जो 72 नंबर टूल्स है वो है नोच का। नोच तो आप जानते ही हैं कि नोच हम किस लिए लगाते हैं, बैक फ्रंट या कोई जगह पर निशान लगाने के लिए, जहाँ पर हमें नोच की पहचान बनानी होती है वहाँ पर नोच का निशान लगाते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे ये फ्रंट है, और हम फ्रंट में हमेशा एक नोच लगाते हैं, और बाजू जो हमारी स्लीव होती है उसमें भी एक नोच लगा देते हैं। हमें ये पता लग जाता है कि हमारा फ्रंट है सिंगल नोच वाला, और डबल नोच लगा देते हैं बैक में, और पता लग जाता है कि हमारा ये बैक का नोच है, मतलब ये बैक है नोच, हम इसलिए लगाते हैं। तो नोच कैसे करना है, हमें करना है यहाँ पे नोच का, आपको यहाँ पे एक टूल मिल जाता है, आप टूल्स बार से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नोच, और अगर आप टूल्स बार से लेंगे तो यहाँ पे नोच का टूल्स है, आप यहाँ पे नोच ऐड नोच क्लिक करके नोच लगा सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे हम ये फ्रंट है, हम यहाँ पे क्लिक किया, ये नोच लग गई, और ये देख सकते हैं इस तरह से ये नोच लगा सकते हैं। कहीं भी आप क्लिक कर देंगे वहीं पे नोच लग जाती है। तो अपने कीबोर्ड पे एन प्रेस करके टूल्स ले सकते हैं, टूल्स बार से चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं 73 नंबर टूल्स के पास, और अब हम बात करते हैं 73 नंबर टूल्स की, जिसका नाम है ऐड नोच ऑन पॉइंट शिफ्ट प्लस एन। आप इसे शिफ्ट प्लस एन से ले सकते हैं, और इसका टूल्स बार पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने नोच का टूल्स लिया था उसी के नीचे ही है ऐड नोच ऑन पॉइंट। और इसका यूज क्या है, तो चलिए सीखते हैं कि इसका यूज क्या है। कुछ खास नहीं है, जिस तरह नोच लगाना है उसी तरह है, शिफ्ट प्लस एन दबाते हैं, और ये हमारे पास नोच का टूल्स मिल जाता है। और इसका ये है कि नोच ऑन पॉइंट, ऐड नोच ऑन पॉइंट, ये जो है पॉइंट पे ही नोच लगाता है, जैसे कि ये लगा दिया देख सकते हैं, और कुछ इस तरह से लगाता है। अगर इसी में हम एक और नोच लगाना चाहते हैं, शिफ्ट दबा के रखेंगे और इसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, एक और नोच लग गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको इस तरह का नोच लगाने की जरूरत पड़ती है तो आप इस नोच का इस्तेमाल कर लीजिए। वैसे नॉर्मल नोच और ये नोच में कुछ खास फर्क नहीं है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टूल के लिए चलते हैं, जो है हमारा 74 नंबर टूल्स। 74 नंबर टूल से ऐड पॉइंट टू ऑल द नोचेस। तो ये जो है इस टूल्स का भी यूज है, ये कह रहा है कि आप जितने भी हमारे पीस में पॉइंट लगे हुए हैं, अगर हम चाहते हैं कि इसमें सारे पॉइंट पर नोच का निशान आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी टूल्स बार पे जाते हैं, यहाँ पे ये साइड में क्लिक करते हैं, सबसे तीसरे नंबर का जो है टूल्स है ऐड पॉइंट टू ऑल द नोचेस। तो आप ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन क्लिक करके आप इस टूल्स
को जैसे ही क्लिक करते हैं ये सारे पॉइंट पे नोट लग जाते हैं। तो फिलहाल मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन मेरा जो सॉफ्टवेयर है इसको काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये देखिए बार बार कर रहा हूँ लेकिन ये जो टूल्स है इस पर काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है। आपका सॉफ्टवेयर पे ये सब काम करेगा तो आप इस तरह से एड पॉइंट टू आल नोचेस, तो आप इसमें से कंट्रोल शिफ्ट एन क्लिक करके आप सारे पॉइंट पे नोच लगा सकते हैं एक ही बार में। तो जो 75 नंबर टूल्स है उसका नाम है मूव पॉइंट अलोंग कंटूर। तो आप ये मूव पॉइंट अलोंग कंटूर से क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। शिफ्ट प्लस एम ले करके ऐसे शिफ्ट प्लस एम से आप इस टूल्स को ले सकते हैं और इसका जो काम है तो जैसे कि ये हमारा पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पॉइंट को मैं इधर को खिसकाना चाहता हूँ, दूसरा पॉइंट नहीं लगाना चाहता हूँ, इस पॉइंट को इधर को खिसकाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को ऐसे पकड़ना है और ऐसे खींच देना है जितनी दूर तक आपको चाहिए, अंदाजे के अनुसार आप खींच सकते हैं, लाइन पे ही ये चलेगा। उसके बाद आप यह जो आपने खींचा यहाँ पे एक विंडो आ गई, ये बताया कि आपने 4.5 इंच यहाँ पे आपने खींच दिया। तो अगर आप 4.5 इंच पे ही रोकना चाहते हैं तो ओके कर दें, अगर इससे आगे पीछे आप करना चाहते हैं तो आप वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे 6 इंच डाल दिया, ओके कर दिया। देखिए ये पॉइंट यहाँ से 6 इंच नीचे आ चुका है। तो इस टूल्स का काम यही था पॉइंट को मूव करना। और इसका जो टूल्स बार पे आप इसका टूल्स देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जा करके अभी जो पहला टूल्स बताया मूव पॉइंट था ये मेरा जो है दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं मूव पॉइंट अलोंग कंटूर। तो शिफ्ट प्लस एम लेकर के इसकी शॉर्टकट की है, इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम 76 नंबर टूल्स के पास चलते हैं और जानते हैं कि उसका काम क्या है। तो 76 नंबर जो टूल्स है उसका नाम है मूव पॉइंट प्रोपोर्शनली कंट्रोल प्लस एम। तो हम इस टूल का यूज इसलिए करते हैं, चलिए सीखते हैं। तो आप यहाँ टूल्स बार पे देख सकते हैं यहाँ पे है ये टूल और इसके साइड में एक एरो है छोटा सा, जो आप इस पर क्लिक करके तीसरे नंबर का टूल्स ले सकते हैं। इसका नाम है मूव पॉइंट प्रोपोर्शनली कंट्रोल प्लस एम। तो हम देखिए कंट्रोल प्लस एम करके इस टूल्स को ले लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस एम। ये देखिए हमारे ये हाथ में टूल्स आ चुका है और इसका यूज़ ये है फ्रेंड्स कि जैसे कि हमें आरमोल है और आरमोल में जैसे कि मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ तक का कर लिया, हम पूरा इस पॉइंट को जो है हम इस तरह एक ही बार में खींच करके कर्व में खींच के बना सकते हैं जिस तरह से हमें शेप चाहिए होगी। तो इस टूल्स का इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिलहाल देखिए जैसे कि उंडो किया हम एम लेंगे, एम से करेंगे तो एक एक पॉइंट होता है, एक एक पॉइंट और शेप ख़राब हो जाती है। तो हम इस टूल्स मूव पॉइंट प्रोपोर्शनली का और इस तरह से हम कर्व भी नहीं ख़राब होता और हम इस्तेमाल करके हम जैसा चाहते हैं वैसा बना लेते हैं। तो चलिए इस टूल्स का काम यहीं पे ख़त्म होता है और हम चलते हैं नेक्स्ट टूल के लिए। तो जो हमारा 77 नंबर टूल्स है उसका नाम है मूव पॉइंट पैरेलली कंट्रोल शिफ्ट एम। तो आप यहाँ पे टूल्स बार पे देख सकते हैं ये जो हमारा इससे जो है 1, 2, 3, 4 नंबर का टूल्स है जिसका नाम है मूव पॉइंट पैरेलली कंट्रोल शिफ्ट एम। तो हम इसका यूज क्या करते हैं, हम इसको पहले टूल्स को ले लेते हैं। चलिए यहाँ से टूल्स को हमने ले लिया और इसका यूज़ यह है कि अगर हम चाहते हैं कि इस ये हमारा कर्व बना हुआ है और इसको हम 1 इंच बढ़ाना चाहते हैं और हम 1 इंच बढ़ाने के लिए हमें सारे पॉइंट को एक एक करके ऊपर को खींचना पड़ेगा, लेकिन यह है एक आसान तरीका। हम इस टूल्स को लेने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं और इसे पकड़ करके जितना हमें ऊपर को चाहिए इस तरह से खींच देते हैं और उतने पर रोक देते हैं, ओके कर देते हैं, हमारा वहीं पर वो पीस रुक जाता है। तो इस टूल्स से आप इस तरह से आप कर सकते हैं इसका यूज। तो फिलहाल इस टूल्स का काम यहीं पर ख़त्म होता है और हम चलते हैं जो है 78 नंबर टूल्स के लिए कि उसका यूज़ क्या है। जो 78 नंबर टूल्स है वो है मूव पॉइंट। तो मूव पॉइंट को हम यहीं पे मिल जाता है जहां हम अभी पिछले टूल्स देखे हैं। आप यहां पे जा सकते हैं टूल्स बार पे और ये टूल्स बार पे यहां पे साइड में एक छोटा सा एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं इसके नीचे जो है पाँच नंबर टूल्स है मूव पॉइंट, जिसमें हमें शॉर्टकट की है कंट्रोल LTM प्रेस करके हम इस टूल्स को ले सकते हैं। अगर टूल्स बार पे चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल क्या है फ्रेंड्स, एक ही बार में हम कई पॉइंट को अलग अलग वैल्यू डाल करके मूव कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है चलिए शुरू करते हैं। तो इसको तरीका ये है कि जैसे कि हम ये गए और इस पर हमने इस टूल्स को ले लेते हैं, हमने साइड में क्लिक किया और ऊपर लाइन से पांचवें नंबर टूल्स को हम ले लेते हैं और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल LTM से भी हम ले सकते हैं। तो हमें इस तरह का टूल्स हमारे हाथ में आ जाता है और हमें क्या करना है कि जैसे हमारा ये पॉइंट है हमारा ये कर्व बना हुआ है और हम इस पॉइंट को कुछ अलग वैल्यू देना चाहते हैं, ये पॉइंट को कुछ अलग वैल्यू देना चाहते हैं, इसको कुछ अलग देना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ तक का सेलेक्ट हो गया, सारे पॉइंट सेलेक्ट हो गए हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, किसी भी जगह को एक पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा खींचना है, तो इस तरह से खींच जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये विंडो आ जाती है और विंडो आते ही एक सेकेंड जैसे विंडो आती है इस विंडो में हमें क्या बनना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 6 यानी कि हमारे 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट हैं
और 5 पॉइंट का ये यहाँ पे सामने दे रहा है। तो आप यक्स में डालना चाहते हैं तो यक्स में तो हमें नहीं डालना, हमें वाई में बढ़ाना है। तो वाई का ये है वैल्यू। तो जैसे कि हमारा एक पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ, तीसरा पॉइंट यहाँ से ये हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे सीरियल वाइज है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं इसको एक इंच करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को हम जो करना चाहता हूँ वो है, वो भी मैं एक इंच ही करना चाहता हूँ, इसमें भी एक इंच ही करना चाहता हूँ। चलिए इस पर भी मैं एक इंच ही फिलहाल समय करना चाहता हूँ। तो एक एक इंच मैंने डाल करके यहाँ पे ओके कर दिया। ये सारे पॉइंट जो हैं एक इंच उठ गए हैं, ऊपर को मूव हो चुके हैं। फिलहाल मैंने एक एक इंच ही उठाया है। अगर जैसे हम पैंट बनाते हैं, पैंट के कर्व में हम यहाँ पे कुछ कम वैल्यू डालते हैं और नी पे कुछ और कम डालते हैं और बॉटम पे कुछ और कम डालते हैं, तो इस तरह से पैंट में यूज हो सकता है। और आप इस कहीं जगह पे इसका इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो अलग अलग पॉइंट को अलग वैल्यू दे करके मूव कर सकते हैं इस टूल से। तो ये टूल्स कंप्लीट हो चुका है और हम चलते हैं नेक्स्ट टूल के लिए, जिसका नाम है, टूल्स नंबर है 79, मूव मल्टी मूव कंट्रोल प्लस क्यू। तो कंट्रोल प्लस क्यू है जो कि हमने उन्होंने किया। तो जो मल्टी मूव का टूल्स का यूज है फ्रेंड्स, पीस के अंदर जो भी है हमारा टेक्स्ट हुआ, बटन हुई, जो भी लिखा हुआ है, अगर हम आप इधर उधर खींचना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं मल्टी मूव का। तो हम इसे क्यू दबा करके ले लेते हैं। जैसे हमने क्यू दबा करके इस टूल्स को ले लिया और अब इस बटन को हमें सेलेक्ट करना है। तो ये ऐसे पकड़ के खींचने पे नहीं जाएगी, हम इस तरह से इसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसे पकड़ के खींचेंगे। और खींचते ही ये बटन बोलेगा कि आप यहाँ से कितना दूर ले जाना चाहते हैं। तो अगर वैल्यू डालना है तो आप यहाँ पर वैल्यू माइनस हाँ डाल दिया तो ये पीछे आ गया, ये बटन यहाँ दूर चल के आ गया। और अगर एक ही बार में चाहिए तो आप जितना भी सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए इतना सारा कुछ सेलेक्ट हो गया और ये जो पॉइंट कट का निशान आ चुका है, इस तरह से खींच लीजिए। खींचते ही आप यहाँ पे वैल्यू अपने आप दिखा देता है कि आप इतना खींच चुके हैं, -6.7/8 है। आप इस तरह से ओके करेंगे तो ये सारी चीज़ें जितना सेलेक्ट था उतना इधर आ गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं मल्टी मूव का इस्तेमाल। अब जो है हम 80 नंबर टूल्स की बात करेंगे कि उसका क्या यूज है। वैसे मैं इसका शॉर्टकट भी बता चुका हूँ, लेकिन टूल्स बाज पे ये टूल्स कहाँ पे है वो मैं दिखा देता हूँ। एक मिनट, टूल्स आपको यहीं पर मिल जाता है जहाँ से अभी हम एम का इस्तेमाल सारे टूल्स कर रहे थे। तो इस तरह से क्लिक करते ही साइड में आपको नीचे यहाँ पे 6वें नंबर पे आपको क्यू मल्टी मूव मिल जाता है। फिलहाल चलिए हम शुरू करते हैं मूव सब सेगमेंट का क्या यूज है। जो 80 नंबर टूल्स का काम है वो है, जैसे कि आप इसका शॉर्टकट की नहीं है, आप यहाँ से ही ले सकते हैं मल्टी मूव के। यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे, सबसे नीचे का जो टूल्स है वो है मूव सब सेगमेंट, ऊपर का। आप इस तरह से इस टूल्स को ले लिए और इसका यूज इस तरह से है कि जैसे हम इसकी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं इस शर्ट की, हमें क्या करना है, पॉइंट नंबर एक सेलेक्ट करना है और पॉइंट नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करना है और फिर जो हमें करना है यहाँ से लेके और ये इस तरह से हमें खींचना है। इस तरह से आप जितना भी खींचेंगे, आप खींच करके उसी सेम में इस तरह से कर सकते हैं। तो आप इस टूल का यूज करके इस तरह से आप कर सकते हैं। इस टूल का कोई शॉर्टकट की नहीं है, आप यहीं पे जा करके साइड में छोटा सा एरो है जो आप क्लिक करेंगे और सबसे नीचे से छोड़े एक दूसरा मूव सब सेगमेंट का टूल इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।